आर यू रेडी? ठीक है, तो अभी इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये जो है यहाँ पे, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों पढ़ते हैं? ऐसा इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, कुछ नए वर्डों से सिमिलर वर्ड ढूंढ कर। जैसे एक सबसे अच्छा इसका तरीका होता है, एक होता है जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स, आपने सुना होगा। एक नाम सुना है आपने सफिक्स, आपने नाम सुना है प्रीफिक्स, ये नाम सुना होगा सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स होते हैं जो पीछे लगाते हैं और प्रीफिक्स होते हैं जो आगे लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक वर्ड दिया पॉसिबल, ठीक है, तो इससे एक वर्ड और बन जाएगा इम्पॉसिबल। तो ये क्या है इम, इम क्या है इसमें, इम लगा है, इम्पॉसिबल प्रीफिक्स है ये। इससे क्या होता है, शब्द अपने आप बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने किसी को बोला लाइक, तो इसमें अन लगा दो तो क्या हो जाएगा भाई, अनलाइक। तो ऐसे भी वर्ड होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास जो शब्द होते हैं उसी से हम उसका उल्टा शब्द बना लेते हैं, नंबर वन। ठीक है, कुछ पीछे भी लगाते हैं, सफिक्स लगा देते हैं। जैसे कि कोई एक वर्ड बताएंगे आप, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा हैवी, एच ई ए वी बाय हैवी, और इसमें लगा दो नेस तो क्या हो जाएगा, हैवीनेस। ये एच जैसा लग रहा है, ये नेस है, ठीक है, हैवीनेस मतलब भारीपन, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि कैरेक्टर, कैरेक्टर, और इसमें लगा दो लेस, कैरेक्टर लेस। ये बाई नहीं है कैरेक्टर लेस, नहीं तो वो ऐसे भन्ना के देख रहा है कि मेरे ऊपर लिख दिया तुमने, ठीक है। और फोटो इसलिए लगाते हैं यार, कुछ लोगों क्या फोटो देखने आते हैं क्लास में, उन्हें पढ़ाई मढ़ाई मन नहीं लगता। कल एक बोल रहा था सर फोटो बड़ी जोरदार है, तो मैंने कहा तुझे जे देख, पढ़ाई वढ़ाई एक तरफ कर दे, स्कूल स्कूल सब जगह से नाम कटा ले, बढ़िया फोटो देख जे चिपका ले। पहले के लोग ऐसे ही सनकी होते थे मालूम है, जैसे भगवान जी की फ़ोटो लगी होती ना, ऐसे वो कैटरीना की सलमान की फ़ोटो उनके घर में लगी होती थी, बढ़िया लगी हैं वो देख रहे हैं। और अगर उनके बारे में कुछ बुरा बोल दो, हीरो हीरोइन के बारे में, भैया इतना बुरा लग जाता था, कहो तो ईंटा मार दे उठा के कि तूने सलमान के बारे में बुरा क्यों बोला, पता नहीं ऐसा कैसा पागलपन हीरो हीरोइन के लिए भैया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है लेकिन, अच्छा कैटरीना की शादी हो जाए या आलिया की हो जाए या किसी की और की हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें दुख नहीं होता, लेकिन मोहल्ले की किसी लड़की की शादी हो जाए कितनी दिक्कत होती है ना, ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों की औकात बहुत छोटी होती है, मतलब औकात ही कहूँगा मैं तो, हमारी सोच बहुत छोटी होती है। अरे दुख तो तब भी होना चाहिए कि कैटरीना की शादी हो गई, दो दिन खाना मत खाओ, क्यों भाई उसकी शादी, मुझसे ही होना था उसकी शादी तो, ठीक है ना। तो लेकिन हम इतना सोच ही नहीं पाते भाई, हम कितने छोटे तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी टाइप से, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि हो गई तो हो गई, कैटरीना की हो गई, करीना की हो गई, आलिया की हो गई। लेकिन हमारी जो कॉलोनी में मान लो भूरी की शादी क्यों हुई, लीला की शादी क्यों हुई, ठीक है, जलेबी बाई की शादी क्यों हुई, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो तो हम ये बता रहे थे आपको वर्ड कलेक्शन कि किस प्रकार से हम नेस और लेस लगा के हम शब्द बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी जैसे कुछ ऐसे शब्द और होते हैं, जैसे कि हमने कहा एक शब्द है ड्राइव, क्या है ड्राइव, थोड़ा सा ऐसे लाल पीला कर लेता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता। जैसे ड्राइव, तो इसमें हम ड्राइव में आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइवर हो जाएगा, ड्राइव का ड्राइवर हो जाता है। जैसे कुक, कुक क्या होता है, पकाना, और ई आर लगा दो तो क्या हो जाएगा, कुकर, पकाने वाला हो जाएगा। तो ऐसे हम शब्द बनाते हैं, उसी का एक पैटर्न ये भी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार हम और शब्द ऐसे बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग वेरी हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरी, मतलब यहाँ पे वेरी हटा के हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि नंबर वन पे है वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल को क्या बोलेंगे, गॉर्जियस, ठीक है। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम कैसी लग रही हो, बिल्कुल नूर की परी लग रही हो तुम तो, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। दुल्हन को क्या बोलेंगे, गॉर्जियस, दुल्हन कैसी लगती है, गॉर्जियस। छोटे बच्चों को मान लो राधा बना दिया, किसी बच्चे लड़की को सीता बना दिया, या लड़के को कृष्ण बना दिया, तो लड़का गॉर्जियस नहीं लगेगा, लड़का तो स्मार्ट लगेगा, या गॉर्जियस उसे भी बोल सकते हो, ठीक है, पर उसे क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर को क्या बोलेंगे, गॉर्जियस। जैसे कि जे बाई लग रही हैं गॉर्जियस, ठीक है, ये तो वेरी गॉर्जियस है,
अब ये मत करना वेरी गॉर्जियस और लगा लो, अरे वेरी ब्यूटीफुल ही गॉर्जियस होता है भैया, नहीं तुम और वेरी गॉर्जियस कर लो कि और उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अच्छा लोग 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 जो है शायरी भी बहुत जानते हैं, ठीक है। किसी ने पूछा कि हम कैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए कहो उनके मुझे शायरी निकल जाए, ठीक है। कर सकूँ वो तारीफ, ठीक है, मतलब बजा सकूँ जो नगमा वो साज कहाँ से लाऊँ, ठीक है, या गा सकूँ जो नगमा वो साज कहाँ से लाऊँ, या गा सकूँ जो नगमा वो स्वर कहाँ से लाऊँ, और गा सकूँ वो नगमा वो साज कहाँ से लाऊँ। अरे चांद तारीफ की, सितारों की तारीफ तो कोई भी कर सकता है, गर करूँ तारीफ आपकी वो अल्फाज कहाँ से लाऊँ। और सामने वाला, हालांकि उतना सही नहीं बोला, लेकिन सामने वाला फूल के कुप्पा हो जाता है, और थैंक यू आपने भाई, जबकि आदमी बहुत फर्जी है, सब कुछ याद करके बैठा है, कब क्या बोलना है उसे सब पता है, ठीक है, किस जगह पे कौन सा डायलॉग छोड़ना है, ठीक है। तो वो वही है कि सुंदरता से रिलेटेड जब तारीफ करने बैठते हैं लोग। तो अगला है वेरी पुअर। वेरी पुअर को बोलते हैं डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भूखा नंगा, डेस्टिट्यूट, ठीक है। जैसे वेरी पुअर ना बोल के बोल सकते ही इज डेस्टिट्यूट, ठीक है, डेस्टिट्यूट मैन, डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो वेरी पुअर, वेरी पुअर तो बोल ही सकते हो, लेकिन डेस्टिट्यूट बोल दो तो दो शब्दों की जगह एक शब्द में कम, उसको भी अच्छा लगेगा डेस्टिट्यूट, वो बोलेगा भैया जी थैंक यू, उसे लगेगा पता नहीं कुछ अच्छा सा बोल दिया कुछ, है ना। तो पहली बात तो उससे बोलना ही नहीं है, क्योंकि जो ऐसा है वो समझेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कचला बीनने वाला अगर इंग्लिश जानने वाला हुआ, या इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से या कंट्री से हुआ, तो बोल लगे हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ठीक है, आई एम गार्बेज क्लीनर, आई एम बेटर देन यू, यू आर गार्बेज थ्रोअर एंड आई एम गार्बेज कलेक्टर, आई एम बेटर देन यू, तुम कचरा फेंकने वाले हो, मैं कचरा इकट्ठे करने वाला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ठीक हूँ। और आप बोले ओ भैया तू चल जा, निकल जा, गो गो गो, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, नाउ यू कैन गो। कोई किसी का भरोसा नहीं है, कौन कितना बड़ा बॉम्ब निकले आए, है ना, ठीक है। इसलिए डोंट जज द बुक्स बाय इट्स कवर, एक कहावत है ना, डोंट जज द बुक्स बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो, पहले किताब को पढ़ के देखो। ये नहीं कि आदमी को एक बार देखा और राय बना ली, ठीक है, पहली बार में राय बना ली, ठीक है, मैं तो इसी से शादी करूँगा नहीं तो मर जाऊँगा, लो भैया पता चले कि जिससे शादी कर रहे वही कहो तो मार के और बैग में भर के डाल दे कहीं। तो इतना सुनिश्चित कर लो। डेस्टिट्यूट मैसिव होता है, वेरी बिग, मैसिव वेरी बिग बहुत ज़्यादा, क्या होता है मैसिव, मैसिव प्लान, आई हैव अ मैसिव प्लान, आई हैव अ मैसिव आइडिया, आई हैव अ मैसिव गैदरिंग ऑफ द पीपल, मेरे पास लोगों की बड़ी भीड़ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेग को क्या बोलेंगे मैसिव। एक वर्ड होता है जाइंट, जाइंट भी होता है बड़ा, ठीक है, ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज भी होता है बड़ा, विशाल का है, ठीक है, ठीक है। और एक वर्ड होता है ट्रमेंडस, चलो वो को बाद में लिखवाऊंगा मैं, इसलिए कि आप कन्फ्यूज ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। ट्रमेंडस होता है भव्य। दूसरा है वेरी फ्रेंडली। वेरी फ्रेंडली मतलब क्या होता है एमिएबल। तो क्लास का एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, एमिएबल होना चाहिए सर। फैमिली का एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, एमिएबल। जहाँ आप जॉब करते हो, ड्यूटी करते हो, वहाँ का एटमोसफियर कैसा होना चाहिए, एमिएबल। क्यों कृष्णा तुम क्यों उसे भन्ना को देख रहे हैं, ऐसा सीरियस क्यों बैठा है इतना, ठीक है, अजीब गरीब हरकत करते हैं बच्चे, वाई आर यू सो सीरियस इन क्लास, बी कूल एंड काम, बड़े शांत बैठो, कूल एंड काम, ठीक है, शांत बैठो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो भी आनंद में रहो, अच्छा नहीं भी आएगा समझ में तो ककल लोगे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, भाई आपकी गलती, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तब तो नहीं आ रहा। स्टूडेंट क्या करता है, अपनी गलती मान लेता है कि मेरा ही दिमाग ख़राब होगा, आप अपनी गलती मानो ही मत, मेरा दिमाग तो ठीक है, आप ये अच्छे से नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। एक टीचर कहता है खड़े होकर क्लास में कि जब तुम्हारे जैसे हम थे ना 80-80% आते थे और कोई मिस्टेक नहीं करते थे। एक बच्चा खड़े होकर कहता है सर जी आपके टीचर अच्छे से पढ़ाते होंगे, मतलब तुम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हमें, मतलब बच्चा कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, ठीक है। वो तो मैडम पूछती हैं कि अगर मान लो पैसा और ज्ञान दो ऑप्शन है तो क्या चुनोगे, लड़का खड़े होकर बोलता है मैडम जी हम तो पैसा चुनेंगे। बोले नालायक मैं होती तो ज्ञान चुनती। तो वो लड़का बोलता है मैडम जिसके पास जो नहीं होता ना वो वही चुनता है, हमारे पास पैसा नहीं है हम पैसा चुनेंगे, ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, ठीक है आप ज्ञान चुन लो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक द चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट एंड स्पीक ट्रू, भगवान का रूप होते हैं बच्चे तो,
आप सभी लोग भगवान का रूप, ठीक है। एमिएबल एटमोसफियर मतलब कैसा वातावरण है, एमिएबल एटमोसफियर फ्रेंडली वातावरण, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, एमिएबल, ठीक।